Hi everyone, welcome to टू Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture. ये हमारा लेक्चर नंबर फोर है टेली कम्युनिकेशन सीरीज़ का तो इसका जो सिलेबस है उसमें आई फाउंड अ प्रॉब्लम जैसे उन्होंने आपको ट्रांसमिटर्स कहीं और पूछे हैं एंड रिसीवर कहीं और पे है तो हम क्या करेंगे मैं हम एक सिक्वेंस में ही चलेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना आए ठीक है तो पहले हम ए एम ट्रांसमीटर्स एंड एफ एम ट्रांसमीटर्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसके बाद रिसीवर्स नाम सुन के आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हो गए या डर गए हो गए जिन्होंने आज तक ये नहीं पढ़ा है पहले बट ट्रस्ट मी दिस अ वेरी वेरी इजी चैप्टर अगर आपको मॉड्युलेशन जो मैंने पढ़ा है वो सही से समझ में आ गया है देन देर इज नॉट एनी थिंग मच लेफ्ट जिसको मुझे इतना डीपली आपको पढ़ाने की जरूरत है अब जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे ये आप इजीली समझ पाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ किसी को अगर मेरे पेड कोर्स में एनरोल करना है उसके लिए यू गाइज हैव टू डाउनलोड माय करंट क्रंच ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और इफ़ यू एन आईओएस यूजर तो आप uh, मेरी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो अगर आपको इनका पी चाहिए उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये जो सीरीज़ है फिलहाल के लिए टेलीकम्युनिकेशन की कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एक पेड टेस्ट सीरीज़ का बैच भी है इसको अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अभी कल तक हमारी दिवाली सेल भी चल रही है तो काफी लेस प्राइस पे आपको ये सारी चीजें अभी मिल सकती हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा कोर्स करंटली रनिंग है अ, मेरी वेबसाइट या मेरी ऐप पर उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा एंड वो ऐप डाउनलोड करनी होगी ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ए एम ट्रांसमीटर हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन में आई टोल्ड यू होता क्या है बेसिकली सुपर इम्पोजिशन होती है किसकी सुपर इम्पोजेशन होती है एक हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो सुपर इम्पोज होती है हमारी कैरियर सिग्नल पे एंड वो कैरियर सिग्नल उसको कैरी करके रिसीवर एंड तक पहुंचाती है तो हमने मॉडुलेशन पढ़ा मॉडुलेशन एक प्रोसेस है उसके लिए फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिवाइसेस पढ़े मॉडुलेटर्स ठीक है अब मॉडुलेशन के बाद भी एक प्रोसेस होगा ना ट्रांसमिट करना ठीक है मतलब मॉड्यटर वेव को आपको फाइनली ट्रांसमिट करवाना होगा ताकि कहीं पे उसकी रिसेप्शन हो फाइन तो वो ही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम देखेंगे उससे हम समझेंगे ट्रांसमीटर का क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती हैं तो ए एम ट्रांसमीटर्स हमने ए एम मॉड्यूलेटर्स पढ़े जहाँ पे मॉडुलेशन होती है तो दो टाइप के हमने पढ़े थे हाई लेवल मॉड्यशन एंड लो लेवल मॉड्येशन हाई लेवल में एट हाई लेवल पावर एंड लो लेवल में एट लो लेवल पावर ठीक है ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तो अकॉर्डिंगली हमारे जो ए एम ट्रांसमिटर्स हैं वो हाई लेवल ट्रांसमिटर्स अलग होंगे एंड लो लेवल ट्रांसमिटर्स अलग होंगे उनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो वी नो दैट टू जनरेट एन ए एम सिग्नल हमें दो सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है एक आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी इसको बोलते हैं या आपका बेस बैंड सिग्नल भी इसको बोलते हैं एंड एक आपका कैरियर सिग्नल है ठीक है तो होता क्या है अब ये हमारी ब्लॉक डायग्राम है आपके सिलेबस में सेपरेटली भी दिया हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम देखो एंड ब्लॉक डायग्राम से ही एक तरीका है आपको समझाने का तो हमें पहले ये आर एफ है यहाँ पे हमें एक ऑसिलेटर की जरूरत पड़ती है जो एक फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल जनरेट करवाता है किसी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इसीलिए हम क्रिस्टल uh, ऑसिलेटर लेते हैं क्योंकि वो हमें एक कांस्टेंट स्टेडी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो जनरेट करके देता है ठीक है तो आप कहीं पे पढ़ोगे क्रिस्टल ऑसिलेटर कहीं पे नॉर्मल लोकल ऑसिलेटर लिखा होगा ट्रांसमीटर एंड पे हम यूजुअली क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है एक एफिशियट ऑसिलेटर की बिकॉज हेर वी हैव टू जनरेट सम सिग्नल ठीक है तो हम डिटेल में ऑसिलेटर्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक की दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन योर सिलेबस वी विल स्टिक टू द सिलेबस क्योंकि टाइम कम है एंड आपका जो जो सिलेबस में मैंशन है टॉपिक्स वो भी ऑलरेडी ठीक ठाक है तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होती है उसके बाद क्लास ए बफर एम्पलीफायर में जाती है जो क्लास ए एम्पलीफायर्स होते हैं ये लो लेवल एम्पलीफायर्स होते हैं जो लो लेवल की सिग्नल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ठीक है एंड जो क्लास सी हमने कल देखा था क्लास सी हाई लेवल में क्लास सी मोस्ट एफिशिएंट है जो काफ़ी हाई लेवल सिग्नल्स पे काम करते हैं एंड उनका जो आउटपुट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है यहाँ से हमारी ये एक मॉड्यूलेशन होती है दैट मीन्स हम मॉड्यूलेटर में जाएंगे अब मॉड्यूलेटर में यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल जा रही है या सॉरी यहाँ से आपकी कैरियर सिग्नल जा रही है जो कहाँ से जनरेट हो रही है ऑसिलेटर से ये हो गई एक सिग्नल दूसरा हमें कौन सी सिग्नल की जरूरत है एक मॉडोलेटिंग सिग्नल की ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉडिलेटर मॉडलेटिंग सिग्नल इंफॉमेशन सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल ये नॉर्मल सिग्नल आपकी होती है फॉर एक्जाम्पल आपकी वॉइस की ऑडियो सिग्नल जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ये भी एक टाइप की मॉडिलटिंग सिग्नल है इसको एक ऑडियो प्रोसेसिंग फिल्टरिंग होती है दैट मीन जो जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हमें जरूरत है उनकी थोड़ा फिल्टरिंग होती है फाइन एंड उसके बाद ये क्या होता है एक क्लास ए एम्पलीफायर में ये जाता है ठीक है क्लास ए एम्पलीफायर अगेन लो लेवल एम्पलीफायर तो वहां पे गया एंड इनकी मॉड्युलेशन हुई मॉड्युलेशन के बाद लीनियर एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर में गई आपके ऑडियो पावर एम्प्लीफायर में गए उसके उससे क्या हुआ इनकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो हो गई एम्प्लीफिकेशन एंड देन एंटीना के पास गए एंटीना ने क्या किया सिग्नल को ट्रांसमिट किया यही हमें पढ़ना है ट्रांसमीटर अब यहाँ पे देख लो हेयर मॉडुलेशन एट लो लेवल लो पावर हो रही है देर हम क्लास ए एम्पलीफायर्स यूज कर रहे हैं एम्पलीफायर्स आर लो पावर क्लास ए एम्पलीफायर्स आर लो पावर एम्पलीफायर्स ठीक है इसीलिए हम उनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं आफ्टर मॉडुलेशन द सिग्नल आर एम्पलीफायर टू अ ग्रेट एक्सटेंट मॉडुलेशन के बाद सिग्नल्स एक्सटेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो एम्पलीफाई हो जाती है वो बड़ी हो जाती हैं फिर सिमिलरली हमारे पास हाई लेवल ये है ए एम ट्रांसमीटर

उसके बाद क्लास ए एम्पलीफायर में ये भी जाएगी फिर ये सिग्नल फर्दर हमारी किस में जाएगी क्लास सी एम्पलीफायर में दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सिग्नल पहले हमने थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ किया वो यहाँ गई तो आउटपुट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा ठीक है तो यहाँ पे वो गया क्लास बी एम्पलीफायर क्लास बी ए से थोड़ा ज़्यादा होगा एफिशिएंट बी से ज्यादा होगा तो यहाँ पे सिग्नल का आउटपुट थोड़ा ज़्यादा आएगा जो बी ए के कंपैरिजन में जो हमें लो लेवल में मिलता उसके बाद modulation. Modulation के लिए भी हम इसमें एम्पलीफायर ही यूज कर रहे हैं क्लास सी एम्पलीफायर ये सिग्नल्स दोनों मॉड्यट हो गई फिर गई आपके एंटेना के पास एंड एंटेना ने क्या किया इनको ट्रांसमिट कर दिया ठीक तो है तो सिंपल चीजें हैं इसमें है कुछ नहीं आपको अंडरस्टैंड करना है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है आपके पास जो क्या करेगा सिग्नल को एक सिग्नल आपको दे देगा कैरियर सिग्नल बना के दे देगा कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी पे एंड एक सिग्नल है जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल होगी जो आपको ट्रांसमिट करवानी है अब ट्रांसमिशन से पहले हमें पता है उसको एक कैरियर सिग्नल की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा अब दोनों सिग्नल्स को आप पहले थोड़ा एम्पलीफाई करोगे फाइन उसके बाद उनको मॉडलेटर में डालोगे फिर एंटेना के पास भेजोगे वहाँ से ट्रांसमिट करवाओगे अब हमने दो सेपरेटली क्यों पढ़े क्योंकि इन दोनों में एक डिफरेंस है अब देखो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे पहले मॉडिफिकेशन ये हो रही है मॉड्यूलेशन एंड जो एक्चुअल एम्प्लीफिकेशन है लीनियर एम्पलीफायर एम्पलीफायर और पावर में जो जा रहे हैं इन दो एम्पली ये जो एम्पलीफायर्स हैं ये मॉड्यूलेशन के बाद एम्पलीफाई हो रही हैं ठीक है क्योंकि ए वाली उतनी एफिशिएंट नहीं है तो जो मेन एम्पलीफिकेशन है यहाँ पे वो आपके पास कब जा रही है लीनियर एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में अब देखो होता क्या है बेसिकली आपका जो एंटेना है ना उसको ड्राइव करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक आपकी जो सिग्नल है वो एम्प्लीफाइड होनी चाहिए ऐसा नहीं आप एंटीना में कुछ भी डालो वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगी वो ऑलरेडी एक लेवल एक थ्रेश क्रॉस करनी चाहिए आपके एंटीना को ड्राइव करने के लिए इसलिए हम यहाँ पे दो दो एम्पलीफायर्स यूज कर रहे हैं एक हम लीनियर एम्पलीफायर्स कर रहे हैं एक हम पावर एम्पलीफायर्स कर रहे हैं मैं आपको एम्पलीफायर्स भी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगेन ऑसिलेटर्स की तरह ये भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है अगर होते तो हम ये सेपरेटली पढ़ लेते ठीक है अब जहाँ पे जिस टाइप के एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम वो वाला एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ठीक तो यहाँ पे आप चीज याद रखोगे कि हम क्या कर रहे हैं क्लास ए एम्पलीफायर जो है ये क्लास ए एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं लो लेवल में एंड मॉड्युलेशन होती है मॉड्युलेशन के बाद वो पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं हम उसको ज्यादा लीनिएट उसको ज्यादा एम्पलीफाई करने के लिए एंड देन उसको एंटेना में भेज के ट्रांसमिट करवाते हैं फिर डिफरेंस हमें देखना है डिफरेंस मैंने आपको बताया था मैं आपको बताऊंगी तो डिफरेंस देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे जो मेन एम्पलीफिकेशन है वो मॉड्युलेशन से पहले हो रही है हाई लेवल में तो ये आपको याद रखना है कि हाई लेवल ट्रांसमीटर्स जो है हाई लेवल ट्रांसमीटर्स में क्या होता है मॉड्युलेशन आपकी होती है मॉड्युलेशन uh, से पहले आपका जो एम्पलीफिकेशन है वो हो रहा है सिग्नल इज एम्प्लीफाइड बिफोर योर मॉड्येशन ये है डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल ट्रांसमीटर में एंड लो लेवल ट्रांसमीटर में हाई लेवल में याद रखो बिफोर ट्रांस बिफोर मॉड्येशन सिग्नल इज गेटिंग एम्पलीफाइड बिफोर मॉड्येशन सिग्नल इज गेटिंग एम्पलीफाइड ठीक है अगर हमारे पास भी टाइम बचता है ये सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए देन आई गेट अ सेपरेट वीडियो पे छोटी छोटी चीज़ें ऑसिलेटर्स एम्पलीफायर्स वगैरह ये भी हम देखेंगे पर दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए एंड इस वीडियो पे रिस्पॉन्स मिले ठीक है आप इस वीडियो को देखो फ्रेंड्स में शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यूज लाओ जितने इस पे व्यूज आएंगे ना तो ही ये सिलेबस टाइम पे मैं कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगी कि मेजॉरिटी जो है वीडियो से बेनिफिट हूँ तो ही आपके टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का ठीक है तो ये देख लो थोड़ा बहुत डिफरेंस लो लेवल का एंड हाई लेवल का यहाँ पे मॉड्येशन लो पावर लेवल पे होती है एंड यहाँ पे मॉड्यशन हाई पावर लेवल पे हो रही है यहाँ पे आपके लीनियर एम्पलीफायर सज ए बी और ए बी यूज़ होते हैं एंड यहाँ पे क्लास सी हम यूज़ करते हैं ये लेस एफिशिएंसी है इसमें एंड इसमें हाई एफिशिएंसी है एंड इसमें जो एम्प्लीकेश एम्पलीफिकेशन है वो कब होती है बिफोर मॉड्यशन ये यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लो ठीक है बिफोर मॉड्येशन नहीं हाई लेवल में सॉरी बिफोर मॉडुलेशन होती है एंड यहाँ पे आपकी एम्पलीफिकेशन आफ्टर मॉडुलेशन होती है अब हो गया ए एम ट्रांसमीटर कंप्लीट एफ एम ट्रांसमीटर देखते हैं ट्रांसमीटर साइड पे हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया फिर एक एम्पलीफायर फिर मैंने आपको जब कल पढ़ाया मॉडलेटर तो मैंने कहा आपको कि इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं इसमें हम ट्रांसमीटर में फेज मॉडुलेशन भी करते हैं एंड फेज़ मॉड्यूलेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो डिविएशन या जो चेंजेस आती है उसको भी हम नोट डाउन करते हैं ठीक है फेज मॉडुलेशन फेज मॉडुलेशन हमें अलग सेपरेट डिजिटल मॉड्यूलेशन में फिर से रिपीट करना है तो ऑसिलेटर बफर एम्प एम्पली बफर एम्पलीफायर उसके बाद फेज मॉड्यशन फिर जाता है ये पावर एम्पलीफायर के पास एंड यहाँ पे माइक्रोफोन जो क्या करता है आपकी सिग्नल को ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रिकल आपकी जो वॉइस है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है यहाँ पे प्री एम्फेसिस होता है अब देखो यहाँ पे एक चीज और ऐड हुई है जो आपके ए एम ट्रांसमीटर में नहीं है वो क्या चीज है प्री प्री एम्फेसिस एम्फेसिस नेटवर्क तो ये बेसिकली क्या करता है जो हायर फ्रीक्वेंसीज है उनको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है अब वो किस लिए होता है क्योंकि वो उसको उस लेवल पे बूस्ट करता है कि नॉइज जो है वो उस पर इफेक्ट ना डाले नॉइज को बचाने के लिए फाइन प्रोवाइड्स हायर गेन टू है हायर फ्रीक्वेंसीज हायर फ्रीक्वेंसीज को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है तो एंड ये जो बूस्ट ये जो प्री एम्फेसिस है ये आपका मॉडलेशन से पहले है दैट मीन जो यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल आई उसको क्या करता है प्री एम्फेसिस हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देता है एंड उसके बाद वो एम्प्लीफाई होके फिर फ़ेज़ मॉडुलेशन में जाके उनकी मॉडुलेशन होती है तो एफ ट्रांसमीटर में क्या होता है फेज़ मॉडुलेशन बाद में पावर एम्पलीफायर के पास गया पावर एम्पलीफायर ने उसको कहाँ एम्प्लीफाई करके किसके पास भेजा एंटीना के पास एंटीना ने क्या किया सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया एयर में ठीक है तो हमने क्या यहाँ पे देखा एफएम ट्रांसमीटर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है एक तो यहाँ पे मॉड्येशन जो है वो फेज मॉड्युलेशन टाइप हो रही है एंड सेकेंडली माइक्रोफोन से आपका पहले सिग्नल कन्वर्ट होने के बाद एंड मॉड्यूलेशन से पहले यहाँ पे एम हो जाएगा एम नेटवर्क एड होता है वो एम नेटवर्क हम किस लिए करते हैं uh, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उनको हम उस लेवल तक बूस्ट करते हैं कि नॉइज उन पर इम्पैक्ट ना डाले ठीक है तो ये हो गया आपके ए एम ट्रांसमीटर एंड एफ एम ट्रांसमीटर आई होप दे आर क्लियर नाउ ए एम में हमने पढ़े मॉड्येशन लोअर लेवल एंड हायर लेवल ठीक है फिर हमने पढ़ा आपका एफ एम ट्रांसमीटर उसमें हमने देखा क्या चीज ऐड हुई एक तो आपका एम्फेसिस प्री एम्फेसिस नेटवर्क ऐड हुआ एंड उसके बाद आपका एक फेज मॉडुलेशन वाला ठीक है अब देखो रिसीवर सुपर हेटीरोडाइन ए एम रिसीवर हमारा टॉपिक है पहले देखो सुपर हेटीरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है ये बोलता है हम मिक्स करेंगे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को इनपुट पे एंड उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट समझ गए दैट मींस दो फ्रीक्वेंसीज एफ वन एफ टू उनको मिक्स करो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को मिक्स करना एंड उनको आउटपुट में एक लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट करना लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोन वो क्या करता है आपका वो कौन करता है आपका वो आपका करता है ये प्रिंसिपल होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ठीक है थीके? होमो जैसे सेम सेम होता है डिफरेंट होता है तो इसमें भी क्या होता है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो जाती है बाद में कन्वर्ट होती है एक लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट में ब्लॉक डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एंटेना से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रिसीव करेगा जो वहाँ से ट्रांसमिट हुई थी ठीक है फिर वो जाएगी आर एफ के पास इसको हम यहाँ से आर एफ स्टेज भी बोलते हैं ठीक है आर एफ स्टेज में चली गई है आर एफ एम्पलीफायर के पास वो क्या करेगा आर एफ एम्प्लीफायर वो स्ट्रेंथ strength, स्ट्रेंथन uh, करेगा इसको सिग्नल को प्लस एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी देगा एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं एफ एस

अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो जो FI की वैल्यू है फॉर AM सुपरहेटेरोडाइन प्रिंसिपल सुपरहेटेरोडाइन रिसीवर के लिए FI की वैल्यू है 455 किलो हर्ट्ज ये कांस्टेंट है ये आपको याद रखना होगा अब ये जो आपकी FI है ये हम कांस्टेंट रखते हैं ठीक है अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर ये हमारे पास ऑलरेडी है तो F और FS कैसे FOFS कैसे काम कर रहा है तो इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी जो ये एफ ओ है जो लोकल ऑसिलेटर वाली फ्रीक्वेंसी है एफ ओ दैट इज ग्रेटर देन एफ एस वो नॉर्मली हम एफ एस से ज्यादा रखते हैं वो हम इसलिए ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि एफ एस जो है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, वो तो कोई भी हो सकती है ना वो हमारे एज एन हाथ में नहीं है हमारे हाथ में जो हमने ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाई है वो है तो वो चाहे कितनी भी हो वो हमेशा एफ से हम छोटी रखते हैं क्योंकि एफ को हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं खुद से कंट्रोल क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एफ है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए फोर फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्ज़ ये हमें कम चाहिए हमें कम इसलिए चाहिए क्योंकि एक नॉइज वगैरह जो जनरेट होती है वो नॉइज जो है वो आगे रिसीवर एंड पे एम्पलीफाई ना हो जाए हम उतनी ही इसकी वैल्यू रखते हैं जिस वैल्यू पे वो नॉइस जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक टर्म दिया गया है उसको बोला जाता है स्ट्रे कैपेसिटेंस स्ट्रे कैपेसिटेंस आपको इतना डिटेल में अब ये क्या होता है जानने की वैसे जरूरत तो नहीं है पर चलो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली होता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें काफी चीजें अंदर लगी हुई होती हैं कंपोनेंट्स होते हैं तो अगर दो वायर्स भी हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है उनके बीच में गैप है कुछ ठीक है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसी स्टोर हो जाती है उनके बीच में तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं कहीं पे स्टोर हुई होगी वो एक काइंड ऑफ नॉइस जो है या सिग्नल डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं उसको हम स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं ठीक है मैंने आपको बस हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया है वो सारी चीजें ना हो इस वजह से हमें क्या करना होता है ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एफ आई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई एफ एम्पलीफायर से जब निकलेगी ये हमारी फोर फिफ्टी फाइव पे होनी चाहिए इस वजह से एफ ओ को हम एफ एस से हमेशा बड़ा रखते हैं चाहे ये कितना भी बड़ा हो जाए इसको हम एक बड़े टर्म से माइनस करके फोर फिफ्टी फाइव वैल्यू निकल निकाल पाएं ठीक है तो ये सारा इसका प्रोसेस है इसमें आपका फैक्चुअल क्या याद रखना है कंसेप्चुअल मैंने वैसे आपको ईजी तरीके से समझा आई डोंट थिंक इसमें ना समझने जैसा कुछ है बट स्टिल इफ यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसमें चलो अब इतना ही याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा कि इसकी जो एफ की वैल्यू है वो हम किस पे सेट करते हैं ए एम सुपर रिसीवर में फोर ये एफ में अलग होगी ए में अलग होगी ठीक है उसके बाद आपका ए एम डी है जो क्या करेगा कैरियर को अब बोलेगा भाई अलग कर दो हमारी ऑडियो सिग्नल को और हमारे पास हमें अरिजीत का सॉन्ग जो है वो पहुंचाओ ताकि हम वो सुन सके फिर उसको ऑडियो पावर एम्पलीफाइर से उसको क्या करेगा स्ट्रेंथन करेगा फाइनली वो स्पीकर पे आ जाएगा स्पीकर में क्या होगा जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे वेव्स थी वो वापस से क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ऑडियो में जो हमें सुनना होगा तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एंटेना पिकअप करेगा ई एम वेव सेंड करेगा उनको आर एफ एम्पलीफायर इट इन टर्न इंटर्न द सिग्नल एंड सेलेक्ट करेगा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मिक्सर क्या करेगा मिक्स करेगा सिग्नल को फ्रॉम द ऑसिलेटर एंड आर एफ स्टेज आउटपुट नॉर्मली एफ ओ को हम एफ एस से बढ़ा रखते हैं और जो मिक्सर आउटपुट है उसकी फॉर्मुला क्या है एफ ओ माइनस एफ एस अब अगर एफ एस हमारा जो भी होगा एफ ओ को हम उससे बढ़ा करके वैल्यू पे जनरेट करेंगे ताकि सब ट्रैक्ट करके फोर फिफ्टी फाइव आ जाए एफ आई जो है इट इज फ़िक्स्ड फोर फिफ्टी फाइव लो फ्रीक्वेंसी एफ आई में हम रखते हैं क्योंकि स्ट्रे कैपेसिटेंस को हमें अवॉइड करना होता है जो आपके ए एम्स टीरो इसमें हेटीरोडाइन में जनरेट सुपर हेटीरोडाइन में जनरेट हो जाती है फिर एम्पलीफाइड आई एफ सिग्नल जो है वो डिटेक्टर के पास जाती है वहाँ से क्या होगा वो एक्सट्रैक्ट करेगा ऑडियो सिग्नल को फ्रॉम द वेव्स अब देखो रेडियो वेव्स को हम ईएम वेव्स वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था यहाँ पे डिटेक्टर में डी लिखा है तो डी भी इसको बोला जाता है कहीं पे आप डिटेक्टर टर्म सुनोगे वो भी यही होता है कहीं पे आप डिस्क्रिमिनेटर सुनोगे डिस्क्रिमिनेटर ठीक है डिस्क्रिमिनेटर यूजुअली हम एफएम वाले में सुनोगे तो उसका इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो सेम ही होती है कैरियर को अब हम रिसीवर एंड में हैं हमें कैरियर वेव चाहिए था सिर्फ वेव को रेडियो तक पहुंचाने के लिए लेकिन फाइनली जो हमें सुनना है रेडियो पे वो सिर्फ वो ऑडियो सिग्नल है जो वहां से ट्रांसमिट हुई है तो कैरियर को हमें निकालना होगा और सिर्फ ऑडियो सिग्नल को जो है रिसीवर एंड पे एक रिसीवर के पास पहुंचाना होगा वो करता है फिर फाइनली बाद में आपका डिटेक्टर कैरियर सिग्नल को एक्सट्रैक्ट ऑडियो को आपके एक्सट्रैक्ट कर लेता है कैरियर सिग्नल से फाइनल एम्पलीफायर वो स्ट्रेंथन करता है उसको टू ड्राइव द स्पीकर पहले मैंने पहली कहा स्पीकर का भी एक थ्रेश होल्ड है एक वैल्यू सर्टन लेवल की होनी चाहिए एक सिग्नल सर्टन लेवल की होनी चाहिए कि वो आपके जो स्पीकर है उसको चला सके ड्राइव कर सके ठीक फिर आउटपुट टू स्पीकर कन्वर्ट से एम्प्लीफाइड ऑडियो सिग्नल इं द साउंड जो मैंने आपको कहा अब इसमें हम कौन सा आई एफ एम्पलीफायर यूज़ करेंगे हम नैरो बैंड करेंगे एम्पलीफायर क्योंकि हमारी यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के साथ हमें काम करना है विल एम्पलीफाई एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑनली ठीक है नैरो बैंड हैफायर क्या करेगा इसको लो फ्रीक्वेंसी में ही इसको एम्प्लीफाई करेगा इस वजह से हम इसमें आई एफ एम्प्लीफायर यूज करें फिर दिस इज़ योर आई एफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सुपर हेटियोडाइन एफ एम रिसीवर तो पहले सेम है रिसीविंग एंटेना आर एफ एम्पलीफायर फिर यहाँ से लोकल ऑसिलेटर मिक्सर और यहाँ पे ए जी सी आपने देखा होगा ए जी सी इज़ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वो क्या करता है अगर इनपुट आपका कभी वैरी करेगा तो वो कोशिश करेगा कि आपके जो भी यहाँ से सबको ये मिल रहा है पावर मिल रहा है वो सारा एक कॉन्स्टेंट जो है वो मिलता रहे ठीक है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कि अगर आपका इनपुट कम ज्यादा हो रहा है है से जो है आपको बिल्कुल वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट मिलती रहे ठीक है फिर यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है लिमिटर लिमिटर वो इसीलिए ऐड होती है देखो क्योंकि हम आ, क्या करते हैं एफएम ट्रांसमीटर के टाइम पे मैं हमने पढ़ा मैंने आपको कहा मॉड्यशन किस टाइप की होती है वहां पे हम फेज मॉड्यटर यूज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका जो एम्पलीट्यूड है उसमें थोड़ा नॉइज आ जाए ठीक है कहीं पे डिस्टॉक्शन आ जाए हम लिमिटर यूज करके वो जो डिस्टोशन आएंगी एम्पलीट्यूड में उसको काट देते हैं वो हम क्यों काट पाते हैं क्योंकि फाइनली ये हो क्या रहा है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन हो रही है दैट मीन्स अगर एम्पलीट्यूड कट भी जाएगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से काम होता है यहाँ पे है ना हमें एम्पलीट्यूड का यहाँ पे कुछ नहीं देखना है तो अगर कहीं कहीं पर जैसे अगर आपका एम्पलीट्यूड ऐसा होना होता है लेकिन आपका एम्पलीट्यूड ऐसा हो जाता है ठीक है तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि नॉइज़ वगैरह आ जाती है क्योंकि हम फेस मॉडिलेटर यूज़ कर रहे हैं उस वजह से तो वो लिमिटर क्या करेगा एक्स्ट्रा पोर्शन को काट देगा क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जरूरत है इसीलिए लिमिटर हम ए में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ए में हमें एम्पलीट्यूड चाहिए होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड में इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में होती है तो वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को काट नहीं सकते फिर अगेन आपका डिटेक्टर जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं फिर यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाती है और एक ब्लॉग जिसको डी एम बोलते हैं ये डी एम क्या करेगा आप याद करो हमने एफ एम ट्रांसमिटर में क्या पढ़ा था कि प्री एम होता है दैट मीन जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होती हैं उनको हम इतना बूस्ट करते हैं कि उनकी नॉइस रिडक्शन हो जाए नॉइज़ उनमें ना आए तो अब ज्यादा बूस्ट किया है तो अब नॉर्मल लेवल पे उसको लेके आना है तो वो नॉर्मल लेवल पे उसको कौन लेके आता है डी एम ठीक है फिर वो एम्पलीफाई हो जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर के पास जाएगा फिर वो स्पीकर के पास जाएगा एंड स्पीकर से हम क्या करेंगे फाइनली हमारा जो सॉन्ग है वो सुन पाएंगे तो एफ रिसीवर में आउटपुट फ्रॉम द मिक्सर इज एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ वन टेन पॉइंट सेवन ठीक है तो एफ का यूजअली ज्यादा ही होगा ए से तो ए एम का हमने क्या कहा था हमें उसकी एफ आई वैल्यू क्या सेट करनी थी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ए एम पे पेन खराब हो गया बेसिकली राइटिंग पैड का तो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी फोर फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्स ठीक है तो यहाँ पे क्या है टेन पॉइंट सेवन मेगा हर्ट्स याद रख लेना दोनों वैल्यूज़ इसमें याद रखोगे लिमिटेड क्या करते हैं एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो नॉइस की वजह से होती है उनको लिमिट कर देता है डी एम्फेसिस क्या करता है आपका रिड्यूस करेगा हायर फ्रीक्वेंसीज को दीज फ्रीक्वेंसीज और प्रीवियसली बूस्टेड बिफोर ट्रांसमिशन सो दिस स्टेप रिस्टोर्स द ऑडियो सिग्नल टू इट्स नेचुरल बैलेंस ठीक है तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी सुपर हिटियोडाइन रिसीवर भी तो आप इसमें याद रखोगे प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस हम यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लिमिटर यूज कर रहे हैं नॉइस <coughs> क्योंकि आपकी नॉइस ना आ जाए एम्पलीट्यूड वेरिएशन की वजह से इसलिए हम पे उसमें यूज किया है यही चीजें जो है वो एक्स्ट्रा है आपके ए एम रिसीवर से ठीक है बाकी सारा ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है कैसे वेव आती है एम्पलीफाई होती है, है यहाँ से फिर बाद में आपकी फाइनल एम्पलीफाई होकर स्पीकर पे जाती है वो सारी चीजें सेम ही है तो ये आपका कंप्लीट होता है एम्पलीफायर वाला पोर्शन भी ये रिसीवर ट्रांसमीटर वाला पोर्शन भी अब आपका रहता है इसमें एक बैंडविड्थ वाला पोर्शन वो ज्यादा ये नहीं है डिफिकल्ट वो मैं आपको समझाऊंगी प्लस आपको अब आप डी मॉड्येटर का थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पढ़ना होगा वो डी मॉड्येटर के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है वो चीज़ मैंने आपको बताई है अब जो नहीं अभी तक बताया होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके साथ ही आपका जो मॉडुलेशन वाला चैप्टर है जिसमें एनालॉग मॉडुलेशन हमने अभी तक पढ़ा वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके डिजिटल मॉडुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद हम डिजिटल मॉडुलेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है जिसमें आपका फेज मॉडुलेशन वगैरह भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम रेडियो वेव प्रोपोगेशन देखेंगे वो यूनिट वन में लिखा है एंड यूनिट थर्ड में उसको कॉन्टिन्यू किया है ठीक है तो हम यूनिट वन और यूनिट थर्ड जो है वो साथ साथ मिला के ही चलेंगे क्योंकि उसमें टॉपिक्स जो है वो रिपीट किए हैं बाकी बैनविड uh, तो डी मॉडल कम्प्लीट होने के बाद यू विल बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व एम सी क्यूज़ ऑन द टॉपिक मॉडुलेशन तो मॉडुलेशन पे आप फिर एम सी क्यूज़ जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी अदरवाइज़ मैं एम सी क्यूज़ के कुछ वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगी ठीक है मॉडुलेशन तो so, मॉड्यूलेशन जो है यू बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन आफ्टर बी फिनिश बैंडविड्थ डी मॉड्यटर ऑल्सो तो अभी तक भी हमने काफी कंटेंट जो है वो पढ़ लिया है टाइमली इसको रिवाइज करो सिलेबस जल्दी कंप्लीट जल्दी कंप्लीट करो उन चक्रों में नहीं पढ़ो इवन इफ यू गेट अ डे लैग जैसे कल मैं अगर टॉपिक नहीं लाऊं तो परसों लेके आऊंगी तो ये जो टाइम है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करो एंड रिवाइज करो डोंट थिंक आपने बस वीडियो देख लिया एंड काम हो गया आपका सिर्फ सिलेबस कवरेज जो है वो आपका गोल इसमें नहीं होना चाहिए आपका गोल इसमें क्या होना चाहिए टाइमली रिवाइज करना एंड फाइनली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे बताएं कमेंट्स में आपको वीडियोस कैसे लगते हैं सो बाय बाय Have a great day and take care till you get a new video.